بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام इस्लाम ने जहाँ अपने मानने वालों को इबादत का पाबंद किया है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, क़ुरबानी, ज़िक्रुल्लाह, तिलावत क़ुरान, अम्र बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, ये सब इबादतें, जहाँ मुसलमानों को इस्लाम ने इन इबादतों का पाबंद किया है, वहीं पर कुछ और ज़िम्मेदारियां भी मुसलमानों के ऊपर रखी गई हैं और वो ज़िम्मेदारी सियासी एतबार से है, समाजी एतबार से है, इक्तसादी एतबार से है और मुख्तलिफ समाज की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखकर इस्लाम ने अपनी तालीमात में मुसलमानों को उसका पाबंद बनाया है। आम तौर से लोगों को या तो दीन की सही फहम और दीन का सही इल्म हासिल ही नहीं है, इसलिए अपनी अपनी अक्लों से इस्लाम का कोई तसव्वुर उन्होंने तय कर रखा है और कुछ लोग दीन के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो उनको भी इल्म ना होने की वजह से या दीन को उलमाए दीन से न समझने की वजह से जैसा समझा दिया गया, जैसा बता दिया गया, जैसे लोगों के ज़रिए उनके सामने बात आई वैसा दीन के बारे में तसव्वुर रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान अपने को मुसलमान समझता है और उसे मुसलमान होने पर फ़ख्र है, इंबसात है, इत्मीनान हासिल है, लेकिन इस्लाम के तकाज़े क्या हैं, इस्लाम के मुतालबात क्या हैं, इस्लाम की तालीमात क्या हैं, इससे बेखबर होने की वजह से बावजूद इस्लाम को पसंद करने के और बावजूद इस्लाम से मोहब्बत रखने के और बावजूद अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र करने के भी वो मुसलमान सही मानों में बन नहीं पाता, इसलिए कि जानता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका जज्बा नहीं है, जज्बा है, नेक तमन्नाएं हैं, नेक आरजुएं हैं, अल्लाह से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है, इस्लाम से ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन जैसा समझता है इस्लाम बस वैसा मुसलमान है। अगर इस्लाम को गलत समझता है तो गलत मुसलमान है, अगर इस्लाम को सही समझता है तो सही मुसलमान है। और फिर जो लोग इस्लाम को सही जानते हैं तो पूरा इल्म उनके पास भी नहीं है। और इस दौर में उलमा से राबिता और ताल्लुक भी नहीं, क्योंकि पूरा इल्म सबके पास ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है, लेकिन लोग उलमा से जुड़े रहकर अपने कम इल्मी का हल निकाल लेते थे।
अपनी कम इल्मी के बावजूद सही दीन पर कायम रहते थे। तो कुछ अपनों ने, कुछ परायों ने साजिश करके अवाम और उलमा के दरमियान में एक खलीज बना दी और इतना बदगुमान कर दिया गया पब्लिक को उलमा से, तरह तरह की तोहमतें लगाकर, इल्ज़ामात लगाकर, मफरूज़ा बातें गढ़ करके कि अवाम उनको अपना कायद और दीनी रहनुमा और पेशवा मानने के लिए तैयार नहीं। इसमें बहुत हद तक दुश्मनान इस्लाम कामयाब हुए। उन्होंने दो तरीके अख्तियार किए, एक तो ये कि वो खुद ऐसी बातें गढ़कर मंजर पर लाने लगे जिससे लोगों को बदगुमानी पैदा हो, दूसरे ये कि मुसलमानों में ऐसे एजेंट फैला दिए जिन्होंने अपने को मुसलमान कहते हुए भी वही काम किया जो काम दुश्मनान इस्लाम चाहते थे और उन्हीं के लिए करते रहे, दीन का नाम लेकर, कुरान का नाम लेकर, दीनी इस्तिलाहात और दीनी ताबीरात इख्तियार करके कहा वही जो यहूद कहना चाहते थे, जो नसारा करना चाहते थे, जो हनूद करना चाहते थे, वही करने के लिए लोग मुसलमानों के अंदर भी पैदा कर दिए गए। और ये वो हरबा है जो इस्लाम के सदर अव्वल से बराबर चल रहा है। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर ही से शुरू किया गया। ईसाइयों ने एक आदमी को तैयार करके, ट्रेंड करके मदीने मुनव्वरा भेज दिया और वो अपने को मुसलमान बताकर मुसलमानों में घुल मिल गया और उसका एक ही काम था कि किताबो सुन्नत की बातों में शुकूक और शुबहात पैदा करता रहे। आम लोगों से मिलता था, उलमा तक नहीं पहुंचता था, आम मुसलमानों से मिलता और आम मुसलमानों को अरे ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ये कैसे, वो कैसे, यूं सवालात और इश्कालात पैदा कर करके उनके दरमियान में शुकूक फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जल्दी ही इस फितने का अंदाजा हुआ और उन्होंने ऐसी सख्त गिरफ्त की कि ये फितना ज्यादा फैलने नहीं पाया, लेकिन साजिशियों ने जब अपने मिशन में अपने को नाकाम देखा तो फिर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ही को टारगेट करके उन्हें जाम शहादत नोश करने पर मजबूर कर दिया। ये बाहर के लोग थे जो मुसलमानों के नाम से मुसलमानों में छोड़े गए थे, ये हकीकत में मुसलमान नहीं थे, ये एजेंट थे दुश्मनों के जिन्होंने मुसलमानों के अंदर शुकूक शुबहात पैदा करने का काम अंजाम दिया। फिर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में यहूदियों ने अपना एक एजेंट मुसलमानों में भेज दिया, उसने अपने को मुसलमान बताकर अमान हासिल की, हुकूमत इस्लामिया की पनाह लेकर मुसलमानों में रहने लगा और फिर मुसलमानों में तफरीक करने और तोड़ फोड़ करने का काम शुरू कर दिया। इसका मिशन ही ये था कि जहां जहां लोग हैं वहां अवाम को अमीरों से यानी हुक्मरानों से बदगुमान कर दिया जाए और हुक्मरानों को अवाम से बदगुमान कर दिया जाए। ये काम उन लोगों ने किया, ये सिलसिला भी चला इन्हीं की साजिश से।
सैयदना उस्मान शहीद हुए, इन्हीं की साजिश से सैयदना अली शहीद हुए, इन्हीं की कोशिशों से सैयदना हसन को शहीद किया गया जहर पिलाकर, और इन्हीं दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से सैयदना हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को निहायत मजलूमाना तरीक़े पर परदेश में अपनी जान अल्लाह के हवाले करनी पड़ी, ख़ानदान की कुर्बानी देनी पड़ी। तो ये जो सब कुछ हुआ है ये साजिशों के नतीजे में हुआ है, और वो साजिशें बंद नहीं हुई, ये दोनों साजिशें अब भी चलती हैं। एक इस्लाम और इस्लामी तालीमात में शकूक व शुबहात पैदा करना, एतराज़ात खड़े करना, ताकि वो इस्लाम एक सच्चा मज़हब होने का यकीन मुसलमानों के दिलों से निकल जाए, और दूसरी साजिश मुसलमानों में फूट डालना, दरार डालना, इख्तलाफात पैदा करना। और जो इख्तलाफात हैं वो अगर राय हैं तो उन्हें पर्वत बनाना, पहाड़ बनाना उसे, ताकि नफरत की खलीज बढ़ती चली जाए और आपस में एक दूसरे से उलझ जाएं। ये साजिशें आलमी एतबार से इस्लाम के इब्तदाई दौर से यानी सिद्दीक़ अकबर के बाद से शुरू हुई और आज तक कायम है। इसी का नतीजा है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद वो उलमा से आज़ाद और उलमा बेजार हैं। क्यों ऐसे दूर कर दिया गया? खाही न खाही बहुत से लोग जानबूझकर, बहुत से लोग जानते भी नहीं वैसे ही माहौल से मुतासिर होकर जो दूर हो गए हैं, वो इस वजह से कि उलमा अपनी ज़ात में जैसे तैसे भी हों लेकिन उनके पास इल्म मुस्तनद है, मोतबर है। वो जब इल्म देंगे तो वही देंगे जो अल्लाह रसूल वाला ही। तो अगर उनसे दूर नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, तो जो नया दीन सिखाया जा रहा है, आज़ाद दीन सिखाया जा रहा है, उसे मुसलमान कबूल नहीं करेंगे। आज भी जब मुसलमान को कोई दावत पहुंचती है, कोई उसके सामने इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से कोई शख्स को पैगाम रखता है, तो जिनका उलमा से ताल्लुक है वो मुतासिर नहीं होते, वो जाकर उसकी तहकीक कर लेते हैं और तहकीक करके अपने को इसके असर से बचा लेते हैं। वही लोग शिकार होते हैं जिनका उलमा से ताल्लुक नहीं, और वो किसी तहकीक के बगैर इनकी बात सुनते जाते हैं, अगर समझ में आती है तो कबूल कर लेते चले जाते हैं, सरफ़ नज़र इसके कि वो हक है या बातिल है, इससे कोई मतलब ही नहीं। अच्छी लगी, समझ में आ गई, अरे हाँ बात तो सही लग रही है भाई, बात तो समझ में आ रही है, अगर ऐसा हुआ तो उसको हक समझते। हालांकि बात कितनी सीधी समझ में आ जाए, अगर हक नहीं है तो हक नहीं है, अगर बातिल है तो बातिल है, हमारे समझ में आ जाने से उसका ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक तो हक का हक होना, हक होने ही से ताल्लुक रखता है, बातिल का बातिल होना बातिल होने ही से ताल्लुक रखता है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन, अल्लाह हक का हक होना मेरे ऊपर खोल दीजिए, व अरिनल बातिल बातिलन, बातिल का बातिल होना मेरे लिए साबित कर दीजिए, वरना आपको पता था कि लोग हक को बातिल और बातिल को हक समझने की गलती में मुब्तला होते हैं। तो हक का हक होना और बातिल का बातिल होना, इसकी बसीरत भी ज़रूरत है मुसलमान की। अगर मुसलमान को इसकी बसीरत नहीं है तो फिर वो बातिल को हक समझता है समझाने वाले की सलीके की वजह से, और हक को बातिल समझ जाता है क्योंकि बोलने वाला उसे ढंग से समझा रहा है और ढंग से उसको बता रहा है।
बस इस बताने की और इस दावत के अंदाज से अपनी फहम के मुताबिक बात हुई तो बातिल को भी हक मानने के लिए तैयार है और हक को बातिल मानने के लिए तैयार है। इस वजह से जितने लोग गुमराह हो रहे हैं, भटक रहे हैं, मुल्हिद हो रहे हैं, जिंदीक हो रहे हैं, बेदीन हो रहे हैं, उन सब के पीछे यही चीज है कि वो खुद इल्म जानते नहीं, उलमा से नहीं लेते। जो कोई उनको दीन पहुंचा देता है तो सोचे समझे बगैर कबूल कर लेते। ये वो बुनियादी गलती है जिसने मुसलमानों की बड़ी तादाद को इस वक्त में गुमराह करके रख दिया है। इस वास्ते हमको चाहिए कि हम इल्म सही हासिल करें। और ये बात मैंने आपको शुरू में बताई कि जो इल्म सही है जब वो आएगा तो आपको इस्लाम का सही तसव्वुर मालूम होगा। भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में इस्लाम जो दीन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है और आपके जहन में क्या है। अगर हम किताब सुन्नत से जोड़ने पर कादिर हों तो हमें लग रहा है कि बेदीनों को छोड़ दीजिए, दीनदार मुसलमान भी इस्लाम का सही माना नहीं जानते, बस नमाजी हैं, गुनाहों से बचते हैं, जितना अच्छा मालूम है वो करते हैं, बस ये दीनदार है, लेकिन पूरा इस्लाम उनके सामने नहीं। और जाहिर है कि अल्लाह ताला ने तो फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहां दीन तो बस इस्लाम है, तो हमें सबसे पहले इस्लाम जानना है ना कि इस्लाम क्या है, क्योंकि एक ही दीन एक्सेप्टेड है अल्लाह के यहां और वो इस्लाम है। अब इस्लाम की तारीफ जिसको जो समझ में आई वो कर रहा है, तो हमें ये देखना है। आप भी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हाँ भाई ठीक है, सब भी तो अच्छा ही बोल रहे हैं ना, फिर हम कैसे मानें कि किसका कहना इस्लाम है। सब भी तो इस्लाम ही के नाम से बोल रहे हैं, सभी तो इस्लाम ही की दावत दे रहे हैं, तो मसला पेचीदा नहीं है। आप हर एक की इस्लामी दावत को सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दीन पर रख कर देखिए, अगर सहाबे किराम के मुताबिक है तो हक है, कबूल है, और अगर सहाबे किराम के मुताबिक नहीं है तो वह बातिल है, मरदूद है, नाकाबिल कबूल है। कसौटी वही है सहाबा जिन्होंने बराह रास्त हुजूर अलैहिस्सलाम से दीन समझा, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को इस्लाम पर चलता हुआ देखा, इस्लाम के बारे में उनकी जुबान से डायरेक्ट सुना, और जो नहीं समझ में आया उन्हीं से पूछ के समझा। यह खसूसियत सिर्फ सहाबा को हासिल है। इसलिए सहाबा दीन इस्लाम को जानने के लिए मैयार होंगे। सहाबा ने जो इस्लाम, जिस दीन को इस्लाम कहा है वही इस्लाम मोतबर है, और जो सहाबे कराम ने जिसको इस्लाम नहीं कहा वो मोतबर नहीं। चाहे कितना बड़ा आदमी कहता हो और कितनी आयतों से कहता हो, कितनी हदीसों से कहता हो, लेकिन सहाबा ने उसको इस्लाम में नहीं शुमार किया तो इस्लाम नहीं। उनका फहम मोतबर, उनकी अकल मोतबर, उनकी तफसीर मोतबर, उनका कहना ही मोतबर है। उनके अलावा कोई और किताब और सुन्नत को जानने के वास्ते मोतबर नहीं है। इस्लाम की तारीफ के वास्ते कोई भी तीस मार खां, कितना बड़ा अल्लामा हो, फहामा हो, हजार दस हजार किताबों का मुसन्निफ हो, दुनिया का बेहतरीन दाई करार दे दिया गया हो और लाखों नहीं करोड़ों लोग उसके फॉलोअर्स हों, लेकिन उसकी बात सहाबा की बात से मेल नहीं खाती तो मरदूद है, गैर मोतबर है। लेकिन लोग इसको तो नहीं देखते आज कि कसौटी क्या है, इसको नहीं देखते।
अरे अच्छी बात कह रहा, अच्छा समझा रहा, अच्छा बता रहे हैं। बस, और अच्छा और गलत ये किसने तय किया, कौन तय करेगा? तो आप ही की अकल तय करेगी कि ये अच्छा है और ये गलत है। तो जिसको मैंने दीन समझा है वो दीन नहीं है, जो अल्लाह ने नाजिल किया है वो दीन है, जिसको नबी ने समझाया है वो इस्लाम है, जिसको सहाबे किराम ने समझा है वो इस्लाम। और उसके बाद तो लोगों की अपनी तहकीकात है। असल इस्लाम तो बस वो है जो सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी से बराह रास समझा है। इसलिए कुरान में कहा गया, फ़ैन आमनु बेमिसलिमा आमन तुम बिही फ़कद इहतदौ, अगर यहूद व नसारा ऐसा ईमान लाए जैसे ऐ मेरे नबी के सहाबा तुम लाए हो तो वो हिदायत याब होंगे। अगर आपकी तरह ईमान नहीं लाए और ईमान लाए तो लाना भी मोतबर नहीं होगा, उस ईमान को अल्लाह कबूल नहीं करेगा जो ईमान सहाबा के ईमान की तरह न हो, वो नमाज जो सहाबा की नमाज की तरह न हो, वो रोज़ा जो सहाबा के रोज़े की तरह न हो, वो हज जो सहाबा के हज की तरह न हो, वो जिहाद जो सहाबा के जिहाद की तरह न हो, वो सोच और फिक्र और आइडियालॉजी जो सहाबा की सोच और फिक्र और आइडियालॉजी की तरह न हो, अल्लाह के यहाँ गैर मोतबर है, उसका कोई एतबार नहीं। इसलिए दीन इस्लाम को जब हम सहाबा से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि दीन इस्लाम बहुत है, जो हम दो चार बातों को पकड़ के बैठे वही दीन इस्लाम नहीं है। दीन इस्लाम की बहुत तालीबात है, बहुत शोबे हैं, हर एक की अपनी जगह अहमियत है और हर एक का अपने वक्त पर रूब अमल लाना और काम में लाना मुसलमानों की जिम्मेदारी है और तमाम मुसलमानों की। ये नहीं है कि मैं तबलीगी जमात कहूं तो मेरा इतना ही काम है, मैं इस्लामी जमात कहूं तो मेरा इतना ही काम है, मैं हनफी हूं तो इतना ही काम है, मैं सलफी हूं तो इतना ही काम है मेरा कि यही करता रहूं कि हाथ कहां बांधना चाहिए और पैर कैसे रखना चाहिए, पूरी जिंदगी इसी में गुजारता रहूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं है क्योंकि मैं सलफी हूं। मैं हनफी हूं तो इन्हीं चंद मसलों में पूरी जिंदगी लगा देना है, मैं शाफी हूं, मैं मालिकी हूं, मैं फुला जमात हूं, मैं फुला जमात हूं, मैं फुला जमात हूं। भाई जमातें तो दीन को फैलाने के लिए आपने बनाई है, और आप दीन ही नहीं जानते तो जमात को लेके क्या करोगे? दीन फैलाने के लिए जमातें हैं, दीन फैलाने के लिए तहरीकें हैं, इस्लाम को जिंदा रखने के लिए हर मिशन है, हर अंजुमन है। वही नहीं जानते तो ये अंजुमन क्या है, ये जमात क्या है, ये काम क्या है, ये फिक्रें क्या है? जब इस्लाम ही नहीं जानते तो ये सब क्या है? हाँ, इस्लाम का जिमनी अमल है, ठीक है, अगर सही नीयत के साथ हो रहा है इतना अमल तो अल्लाह कबूल करेंगे, इसका अजर देंगे, लेकिन क्या यही इस्लाम है? इतना ही करने से आप सबकदोश हो जाएंगे अपने मुसलमान होने के फरीजे से? तो यही समझा जा रहा है कि मैं अपनी जमात का काम कर लूं तो इस्लाम का मुकम्मल काम कर रहा हूं, यही समझा जा रहा है। हर मसलक यही समझ रहा है, और मसलकों की तबलीग तो इस्लाम में ममनू है, इसके बावजूद मसलकों की तबलीग में ही लगे हुए हैं, और वो भी इख्तलाफी मामलात के अंदर लगे हुए, सिर्फ अपनी अना की वजह से, सिर्फ अपनी पहचान बनाने के वास्ते, इससे अलावा कोई मकसद नहीं। अगर मकसद इस्लाम की खिदमत होता तो उससे कहीं ज्यादा जरूरी काम इंतजार कर रहे हैं काम करने वालों का, और कोई करने को तैयार नहीं, उससे ज्यादा जरूरी काम। लेकिन मुसलमान इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं, इस्लाम को सही नहीं जानते, या जानते हैं
तो अपने जैसे जाहिलों से जानते हैं, आलिमों से नहीं जानते, बल्कि डरते हैं आलिमों से पूछने से कि भाई हम जो चाह रहे हैं उसके खिलाफ ना बोल दे वो, क्योंकि हमें तो अपनी चाहत पे चलना है बस। अगर आलिम कहता है कि नहीं भाई ये तुम गलत कर रहे हो, तो हमको छोड़ना नहीं है, इस वजह से पूछना भी नहीं। ये सब दीनदारों बेदीनों सब का मिजाज बन गया है कि दीन को उलमाए रब्बानीयीन से रुजू करके नहीं सीखेंगे, जो इल्म के माहिर हैं उनसे पूछकर नहीं सीखेंगे। सब का यह मिजाज बन गया है। बेदीन तो खैर है ही, दीन ही से दूर है। मैं दीनदारों की बात कर रहा हूं, जो दीन पसंद है, दीन की फिक्र है, आखिरत की फिक्र है, इस्लाम के कुछ करके देना चाह रहे हैं, इस्लाम का नाम रोशन करना चाह रहे हैं, इस्लाम के गलबे के ख्वाहिशमंद हैं, मुसलमानों की निजात के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो खुद भी इल्म उलमा से लेना नहीं चाहते। उनकी जो समझ में आ रहा है वही इस्लाम है, उनके जो समझ में आ रहा है वही दीन। इसकी वजह से बहुत से जरूरी काम मुसलमान इस वक्त नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी करते थे, अल्लाह के नबी के सहाबा करते थे, बड़े बड़े उलमा करते थे, लेकिन हम नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह अपने दौर के मुहक्किक आलिम हैं, और अल्लाह ने गैर मामूली हाफिजा और गैर मामूली नजर किताब व सुन्नत पे उनको अता फरमाई थी। सिर्फ यही नहीं करते थे कि किताबें लिखें, सिर्फ यही नहीं करते थे कि फतावा देते रहे। एक सवाल आता था तो एक पूरी किताब लिख देते थे। इल्म का यह हाल था। जरूरत पड़ी, रवाफिस से मुकाबला किया, अपने काम छोड़ छाड़ के, पढ़ना लिखना छोड़ के, सब शागिर्दों को लेकर रवाफिस के मुकाबले पे खड़े हो गए, और तावक्ते के उनके फितने को दफा नहीं कर दिया, फिर लौट के अपनी मसनत पे नहीं आए। क्यों? अब वक्त का तकाजा यह था कि इससे ज्यादा जरूरी यह दीन है, इससे भी ज्यादा जरूरी यह है दीन। जिस वक्त जो जरूरी काम सामने आया, बड़े बड़े उलमा इसके लिए खड़े हुए, अब काम किया और फितनों को दफा किया। और बहुत से मुसलमानों का ख्याल यह है कि भाई फितनों को छोड़ो, फितनों की परवाह मत करो, बस अब एक तरफा तौर पर अपना काम करते रहो। तो ये बड़े बड़े उलमा ज्यादा जानते थे कि आप ज्यादा जानते हैं? फितनों का मुकाबला करना हर आलिम से साबित है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी शरीफ, उलमा से पूछिए, साल भर बुखारी शरीफ पढ़ी पढ़ाई जाती है, 7000 से जायद हदीसें पढ़ने के लिए पूरा साल लग जाता। किताबुल ईमान में और किताबुत तौहीद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जितने उनवानात कायम किए हैं वो उनके दौर के बदअकीदा लोगों को दुरुस्त करने के लिए कायम। उनके दौर में यह गलत अकीदा था, उनके दौर में यह गलत बात चलती थी, उनके दौर में लोगों ने यह कह रखा था। आपने हदीस की किताब लिखी, और उस हदीस की किताब का एक मकसद मुसलमानों को दीन पर, पूरे दीन पर जमाना था, और दूसरा मकसद मुसलमानों में बदअकीदगी को आने नहीं देना था और फितनों का मुकाबला करना था। इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, उनके दौर में फितना था, गलत गलत किस्म के अकायद, गलत किस्म की बातें लोगों के अंदर फैलाई जा रही थी, मोतजिला और खवारिज के बदअकीदगियां आम हो रही थी। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इल्मी खुद खिदमत में जिस चीज को नुमाया रखा वो इन बदअकीदा लोगों को तरदीद करना, इनका कलाकमा करना, इन्हें मिटाना था। एक तरफ अहकाम व मसाइल की तहकीक करके जमा किया कि उम्मत को दीन पे जमना आसान हो जाए,
दूसरी तरफ अपने ज़माने के फितनों का मुकाबला किया। किसी फकीह को ले लो और किसी मुहद्दिस को ले लो, हालात पढ़ लो, पता चलेगा एक तरफ उम्मत को दीन पे जमाना और पूरे दीन पे जमाना उनकी फिक्र थी, अल्लाह के नबी की हर बात उम्मत में आ जाए, इल्म भी आ जाए और अमल भी आ जाए, एक तरफ इसकी फिक्र थी, और दूसरी तरफ जो लोग मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ अकीदे बना रहे हैं, इन दुश्मनों ने इस्लाम से इस्लाम को महफूज रखना, ये भी उनकी जिम्मेदारी। इसको कहते हैं दीन की दावत और दीन का दिफा। हर आलिम के जिम्मे दो काम, दीन की दावत देना और दीन का दिफा करना, यानी दुश्मनों से इस्लाम की हिफाजत करके उसकी सच्ची तस्वीर हमेशा कायम रखें, वरना घटाने वाले दीन को घटाते रहेंगे और बढ़ाने वाले दीन में बढ़ाते रहेंगे, और एक जमात होगी जो घटाने वालों के घटाने को पूरा करेगी और बढ़ाने वाले के बढ़ाने को काट के फेंक देगी। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक, एक जमात, ये कौन सी जमात है? सब उलमा कहते हैं, अइम्मा कहते हैं कि ये उलमा की जमात है, इल्म वालों की जमात है, जो दीन में घटाने वालों के गोशमाली करके दीन को फिर बढ़ाना, जितना दीन था उतना दीन रखना, और दीन में बढ़ाने वालों को सजा देकर और उनको कल अदम करके वो बढ़ाए हुए को घटाना निकालना उसके। तो घटाना भी नहीं है इस्लाम, बढ़ाना भी नहीं, इसको कहते दिफा ए इस्लाम, इस्लाम का दिफा करना, जैसे सरहदों का दिफा किया जाता है कि भाई कोई हमारी सरहद के अंदर घुसने भी ना पाए, हम दूसरे की सरहद में ना घुसे, हद कायम रहे और उसी पर जमे रहे। इसी तरीके से इस्लाम का दिफा उलमा की जिम्मेदारी, और बकदरे इस्तेदाद मुसलमानों की भी जिम्मेदारी। तो दावत और दिफा दो काम हर दौर के उलमा करते रहे, इस दौर के उलमा को भी करना चाहिए, इस दौर के अवाम मुसलमानों को भी करना चाहिए। जब तक इस्लाम का सही तसव्वुर आपके जहन में नहीं होगा, उस वक्त तक आपका इस्लाम नाकिस रहेगा, काबिल नहीं। इस्लाम कामिल करना है तो पूरे इस्लाम का सही तसव्वुर हमें जानना होगा, इस्लाम कहते किसको है इसे हमें जानना होगा। बाज लोगों ने सोशल वर्क को इस्लाम समझा, उसी में लगे हुए हैं, बाज लोगों ने नमाज रोजे को इस्लाम समझा, उसी में लगे हुए हैं, बाज लोगों ने सियासत को इस्लाम समझा, उसी में घुस गए हैं, अच्छा बुरा कुछ जानते नहीं, बस उसी को समझते हैं कि हम बहुत बड़े इस्लाम के खिदमत गुजार हैं और मुसलमानों के खिदमत गुजार हैं। तो भाई ये तो अपना अपना समझा हुआ है, सहाबा ने इस्लाम किसको समझा था? सहाबा ने इस्लाम तमाम शोबे इस हयात के अंदर अल्लाह का हुक्म दाखिल करने को समझा था। इसलिए कभी नवाफिल पढ़ने की बड़ी फजीलत होती है और कभी उसके मुकाबले में इल्म हासिल करने की फजीलत होती है। कभी इल्म हासिल करना बहुत अहम काम होता है लेकिन उसके मुकाबले में लोगों को इर्तेदाद और इल्हाद से बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी काम बन जाता है। कभी इल्हाद और इर्तेदाद का मुकाबला जरूरी होता है और कभी मुसलमानों को अमन व अमान और चैन सुकून फराहम करके देना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कब क्या जरूरी है? अगर मालूम हो कि इस्लाम क्या है तो हमारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक होगी, हमें इस्लाम नहीं मालूम है इसलिए हमारी जिंदगी जमात के मुताबिक है, यानी अपनी अपनी जमात, जिसकी जो जमात है, जिंदगियां जमात के मुताबिक गुजर रही, जिंदगियां इस्लाम के मुताबिक नहीं गुजर रही। ये बहुत बड़ा फरेब धोखा इस दौर का है। इस्लाम एक मुस्तकिल दीन है, मुकम्मल तहजीब का नाम है।
हर जगह इस्लाम होगा, हर जगह इस्लाम होगा। यहाँ इस्लाम नजर आ रहा है, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। यहाँ नहीं नजर आ रहा है, मेहनत अब यहाँ की जाएगी। यहाँ भी इस्लाम जिंदा हो गया मगर यहाँ नहीं है, तो वो महास छोड़ के इस महास पे मेहनत की जाएगी। हर महास पर मेहनत करके इस्लाम को कामिल जिंदा करना होगा, मुकम्मल इस्लाम जिंदा हो जाए, इसकी फिक्र करनी होती। बाज मरतबा अमल और इबादत की अहमियत होती है, बाज मरतबा फराइज और वाजिबात पर इक्तिफा करके दीन पर चलने और दीन पर अमल करने का माहौल बनाने की जरूरत होती है। उस वक्त में आप मख्तसर सी तिलावत कर लो, चलते फिरते जिक्र कर लो, बाकायदा टाइम मत दो इसको। उस वक्त में आप बैठकर पढ़ने पढ़ाने का काम कम करो। उस वक्त में आप दीगर सारे कामों को मुख्तसर करके इस काम की तरफ तवज्जो दो। उसको लोगों ने दीन ही नहीं समझा। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से बुखारी शरीफ में एक रिवायत है, उसको समझने में उलमा भी बहुत हैरान हुए। उन्होंने एक दफे लोगों के सामने फरमाया, मेरे पास दो थैले इल्म है या दो डब्बों में भर के इल्म है मेरे पास। कोई थैलों में डब्बों में था नहीं उनके पास, सब उनके सीने में ही था, लेकिन दो डब्बे इल्म है मेरे पास। एक आप लोगों को एक में से देता हूं, एक में से आप लोगों को इल्म पहुंचा रहा हूं, और वो जो दूसरे में इल्म है अगर मैं उसको बयान करने लगूं तो आप लोगों की तलवारें मेरे हलक पे हो जाएंगी, इसलिए मैं उसको नहीं बयान कर रहा हूं, सिर्फ इसी को बयान कर रहा हूं। अब बताइए कि हजरत अबू हुरैरा ने कहने को तो एक बात कह दी मगर 1400 साल से उलमा इसके अंदर सरगर्दा हैं। और खुलासा उसका ये कहते हैं कि बाज़ बातें वो हैं जो सच हैं और हक हैं, लेकिन अवाम का जहन बदल गया है, अगर उनको वो हक भी बताया जाएगा तो हजम नहीं होगा, वो तलवारें लेके खड़े हो जाएंगे हक के मुकाबले। तो ऐसी बातों का तहम्मुल नहीं है अवाम को, इसलिए मैंने ऐसा इल्म रोक के रखा है। होती हैं ऐसी बातें, हक बोलो मगर सब लोग जाहिल हैं। जैसे कि मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, खतीब जो जुमे का खुतबा देता है और सब लोग बैठ के सुनते हैं, तो खतीब तो खुतबा दे रहा है, अल्लाह रसूल की बातें सुना रहा है, हम लोगों को नहीं जो सुन रहे हैं बैठ कर, इनको सुनना वाजिब है, इस वक्त बात भी नहीं कर सकते, दूसरे को टोक भी नहीं सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी खेलने वाले को उसने कहा कि चुप रहो खुतबा हो रहा है, ये कहने से भी उसने लग्व काम किया जिससे अपना खुतबा फासिद कर लिया उसने, इसकी भी इजाजत नहीं है कि बाजू वाले को कोई नसीहत कर दे, अच्छी बात बता दे। हमारे खुतबे में तो माशाल्लाह जहालत का हाल यह है कि लोग खुतबा होते वक्त मस्जिद में आते हैं और आपस में ही बातें करते खड़े रहते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, किस्से कहानियां सियासत सब चलती रहती है पीछे, और खतीब खुतबा देता रहता है। हालांकि हुजूर फरमा रहे हैं कि गौर से सुनने वाला भी अगर बाजू वाले से ये कहे कि भाई चुप बैठो, तो भी इसने लग्व काम किया जिससे अपने खुतबे को खराब कर दिया। इतनी भी इजाजत नहीं, इतनी भी इजाजत नहीं खुतबे में कि एक साहब देर से आए और घुस पिट के आके सामने बैठे। जैसे हमारे यहां मस्जिद में अभी आएंगे एक दो लोग, सबसे अखीर में आते हैं और उनकी ख्वाहिश यह है कि सबसे आगे बैठें और पीछे बैठने को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। कितनी दफे हदीस सुना दी गई, कितनी दफे मसला बता दिया गया, फिर भी घुस के आएंगे और घुस के आके बैठेंगे। गुज़िश्ता जुमे को भी मैंने देखा कि गर्दनें फलान फलान के सामने आ रहे। एक साहब
आके बैठे, जगह नहीं भाई सामने। एक साहब ने हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा किया था, आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं, खुतबा दिया और नमाज पढ़ा दी, और जब नमाज पढ़ा दी तो सलाम फेरने के बाद उनसे कहा आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा आपके पीछे पढ़ा हूं। तो फरमाया गर्दने फलांग के क्यों क्यों आए थे तुम। तो उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ने से ताबीर किया कि नमाज ही नहीं पढ़ी तुमने, क्यों मुसलमानों के ऊपर ऊपर से कदम रख के आए थे। खुतबे में पहले से आके बैठने का हुक्म है, देर से आओ तो पीछे बैठते चले जाओ, बैठते चले जाओ पीछे, लेकिन देर से आके लोगों को ऊपर से फान फान के आगे जाना, आप कौन 30 मार खाए भाई। ये खुदा का बारगाह है, खुदा की बारगाह है, खुदा का दरबार है, इसका अदब तो अल्लाह बताएगा, आप कौन अल्लाह के अदब को तोड़ने वाले हैं अपनी शान के खातिर। मगर हैं कुछ खर दिमागों को समझ में ही नहीं आ सकता, उनको अल्लाह ही समझाए बस, उनको हदीस सुनाने का कोई फायदा नहीं, उनको कुरान सुनाने का कोई फायदा नहीं, अपनी आदतों से मजबूर हैं, अपनी आदतों पे चलते रहते हैं। तो खैर, तो खतीब साहब मसला बता सकते हैं, सामेईन में से कोई किसी को नहीं बता सकता, मगर सामेईन को यह मसला नहीं मालूम कि खतीब साहब मसला बता सकते हैं, किसी को भी नहीं मालूम यह मसला। एक साहब थे, बहुत बरस पहले की बात है, हैदराबाद की, उन्होंने खुतबा दिया, खुतबे में कुछ लोग गलत काम कर रहे थे, यानी अदब के खिलाफ कर रहे थे, तो उन्होंने खुतबे में रुक करके उनको टोका। टोकने का हक है, जायज़ है, यह मसला बिल्कुल बरहक है कि खतीब रुक के टोक सकता है, खुलफाए राशिदीन टोकते थे, नबी टोक दिया करते थे, खतीब टोक सकता है, हक है, लेकिन लोगों को यह बात नहीं मालूम। जब उन्होंने खुतबे में रुक करके किसी को उर्दू में कुछ बताया, तो जब खुतबा ख़त्म हुआ तो लोगों में चेमी गोइयाँ शुरू हुई, और लोग सब मिल करके इस पर अड़ गए कि खुतबा नहीं हुआ, खतीब साहब फिर से खुतबा दीजिए, खुतबा नहीं हुआ। उन्होंने बताया, अरे भाई मसला है, मैं बोल सकता हूँ इसलिए बोला हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कभी नहीं देखे ऐसा, हम कभी नहीं सुने खतीब साहब बीच में उर्दू कैसा बोले, आप आपका खुतबा ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि आलिम को मजबूर होना पड़ा, जाहिल गालिब आए, फिर जब मेंबर पे चढ़ के दोबारा खुतबा दे के फिर नमाज पढ़ाना। तो कभी ऐसा होता है कि अब हक बोलना ऐसे लोगों के सामने, तो वही हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं, बास बातें ऐसी हैं कि अगर मैं बताऊं तो आप लोग मेरे गले पे तलवार रख दोगे। तो तामुल लगी है लोगों के अंदर, ऐसा होता है। मैं भी आपको ये बात कह रहा हूं कि जो बात मैं अब आपको कहने जा रहा हूं, अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये भी इस्लाम है, ये भी दीन है, वो क्या आज मौलाना खुतबे में बोल रहे थे, तो ताज्जुब होगा। अब वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दीन में ये भी दाखिल है कि वोटर लिस्ट में नाम सबके आ गए या नहीं आ गए, इसको जानने वाले, इल्म रखने वाले अपने अपने हलकों के वोटर लिस्ट निकलवाना, उसको चेक करना, और अपनी बस्ती के सारे मुसलमान 18 बरस के मर्द औरतों के नाम आ गए कि नहीं आ गए, इसको चेक करना। आप मानेंगे कि यह दीन है? आप मानेंगे कि यह इबादत है? आप मानेंगे कि यह नबी की सुन्नत है? नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे ये सब दुनियादारी है, ये सियासत है, और ये सब बेकार काम है, छोड़ो इसको, टाइम इसमें लगाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जितने 18 बरस के मर्द और औरतें हैं कौम के, दूसरों की तो अब अपनी अपनी कौम वाले फिक्र कर रहे हैं, और 3-4 महीने पहले से करना शुरू कर चुके हैं, और सब अपने अपनी कौम की फिक्र कर रहे हैं, मुस्लिम कौम की फिक्र कौन कर रहा है कि जितने 18 बरस के मर्द और औरत हैं उनके वोटिंग कार्ड को अपडेट करके इसका अहल बना देना कि वो वाकई वोट दे सकता है।
कितने मुसलमानों के पास, अभी थोड़ा सा एक सर्वे हुआ, 60% मुसलमानों के पास वोटर कार्ड ही नहीं है, 60% मुसलमानों के पास। और जिन 40% के पास है उनमें से अक्सर के अपडेट नहीं है, इस्तेमाल के काबिल नहीं। और जिन लोगों के पास इस्तेमाल के काबिल हैं उनमें से बहुत सों की लिस्ट में नाम ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमान वोट देने ही नहीं चाहता, इलेक्शन हो रहा है, आप बच्चों को लेकर तफरी करने चले गए, आज छुट्टी है भाई, पिकनिक करने जाएंगे, फुलां पार्क को जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। आपको मालूम होता कि यह भी इस्लाम है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, यह भी दीन है, इसका भी अल्लाह हिसाब लेगा आपसे, तब आप ऐसी हरकत ना करते। लेकिन मुसलमान पड़े सोते रहते हैं, उनको घर से निकाल के भिजाना भी एक बहुत बड़ा काम है कि भाई जाओ जाके अपना हक इस्तेमाल करके आओ, कुछ फिक्र नहीं मुसलमान। तो उलमा इस वक्त में तमाम शहर के सीनियर उलमा जमा हुए और सब ने मिलकर ये बात कही कि तीन काम, नंबर एक, हर अहल मुल्क के बाशिंदे के पास वोटिंग कार्ड है या नहीं है, है तो अपडेट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, क्या शक्ल इख्तियार की जाए, एक काम। दूसरा काम, फिर उसका नाम लिस्ट में शामिल करने की फिक्र की जाए। दो, और तीसरा काम, जिस दिन इलेक्शन हो अपनी बस्ती के हर हर मुसलमान को अपना हक वोट इस्तेमाल करने पर तरगीब देकर, इंतजाम करके, सहूलतें पैदा करके उन्हें ले जा करके उनसे उनका वोट डलवाया जाए। जब तक इस मुल्क में इलेक्शनी सियासत है आपके पास इसके अलावा कोई कुव्वत नहीं। अब तो खतरा है कि वो भी खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तो है, इस मर्तबा तो है, इस मर्तबा आप अपनी, अपने वजूद की अहमियत को समझा सकते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक जगह ऐसे ही दीनी मसले में इलेक्शन हो रहा था, किसी जमात के ओहदे के सिलसिले में, और वो बाकायदा तौर पर डब्बे में लोग अपनी अपनी राय डाल रहे थे, बाद में शुमार करने का। एक मौलाना साहब थे, जरा बहुत दूर से जाना था तो वो पहले हिम्मत नहीं कर रहे थे, अरे भाई उतनी दूर जाऊं, जाके वोट देना है सिर्फ, छोड़ो कोई तो बन जाएगा। अब वो कोशिश करते रहे मगर नहीं, हिम्मत नहीं हुई, फिर थोड़ा सोचा, फिर नहीं हुई, फिर एक साथी तैयार हुआ, कह रहे भाई चलो मैं भी चल रहा हूं, आप भी चलिए। उसको पकड़ के किसी तरीके से उनको लेके आए, और आने के बाद सबसे आखिर में पहुंचे, और सबसे आखिर में पहुंच करके उन्होंने अपना वोट डाला। तो उन्होंने आकर के सबसे आखिर में, जबकि अभी बॉक्स खोला जा रहा था, अरे अरे ये एक मौलाना और आ गए हैं, इनका वोट, उन्होंने वोट डाला। अब उसके बाद जब वो शुमार किए गए, गिने गए, तो जो हकदार था, जिसका उस जमात के सरबराह बनने पर जमात का फायदा था और मुसलमानों का फायदा था, वो एक वोट से जीते, सिर्फ एक वोट से। अगर ये साहब अपने घर में जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं सोचते रहते तो कलअदम हो जाता, कैंसिल हो जाता। तो कहने का मतलब ये है, हर वोटर मेरे अकेले से क्या होता है, मेरे अकेले से क्या होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक बादशाह को पता चला कि लोग जो है दूध में पानी मिला रहे हैं, और कंट्री में मना था दूध में पानी मिलाना, इसलिए उसने ऐलान कर, लेकिन खबरें आई लोग चोरी कर रहे, दूध में पानी मिला रहे। तो उसने एक हौज अपने दरबार के सामने तैयार करवाया, और जितने दूध वाले थे उन सब से कहा
कि सब लोग एक शेर दूध ला करके इसमें डाले, और लोग आए अपने अपने डब्बे बंद करके लाते थे और मख्फी तरीके से उसमें डाल देना था। सब लोग लाते और एक शेर दूध डाल देते, सब लाते एक शेर दूध डाल देते। जब सारे शहर के दूध वालों ने अपना अपना दूध डाल दिया तो बादशाह ने कहा कि भाई खोल के देखो इसमें पानी कितना है, दूध कितना है। जब खोल के देखा गया तो सब पानी था, दूध कुछ नहीं था। उसने कहा क्या? तो हर दूध वाले ने सोचा मैं अकेला नहीं डाल दूंगा दूध के बजाय पानी तो क्या हर्ज है। हर एक ने यही सोचा मेरे एक शेर से क्या होने वाला है, मेरा एक शेर पानी तो कहीं भी चला जाएगा दूध में, इसलिए सबने लाके पानी ही डाला तो पानी ही पानी रहा, दूध का नाम नहीं। ऐसे भाई ये सोचना कि मेरे अकेले के वोट से क्या होगा, मेरे एक वोट से क्या मुल्क में तारे तोड़ के लाना है, मेरे एक वोट से मेरा एक वोट, ऐसे समझने की बड़ी बहुत बड़ी गलती है। हर आदमी ये सोचे कि शायद मेरा वोट ही वजन का और फैसला कुन साबित हो जाए, शायद मेरा अकेले के वोट ही से फैसला हो जाए। हर शख्स को ये समझना चाहिए। तो भाई मैंने इतनी सारी तमहीद आपके सामने दीन के हवाले से ये बयान की कि इस्लाम क्या है। सही नहीं मालूम होने की वजह से बहुत से इस्लामी कामों को हमने दुनियादारी समझ के छोड़ दिया है और उसका खमियाजा खुद भुगत रहे हैं। भाई अगर अमन अमान की हुकूमत होगी तभी तो अजान हो सकेगी, तभी तो नमाजें हो सकेगी, तभी तो ईदगाहों में मजमा मुसलमानों का हो सकेगा, और तभी तो आप कुरान मजीद पढ़ सकेंगे, तभी तो आपके मदरसे चल सकेंगे, तभी तो आपकी मस्जिदें बन सकेंगी, तभी तो आपके कब्रस्तानों की हिफाजत हो सकेगी। बस सब कुछ इस्लाम तो अच्छी हुकूमत और पुरअमन हुकूमत के अंदर चल सकता है। हम मुसलमान बन के पुरअमन हुकूमत में रह सकते हैं, जालिम हुक्मरानों के तहत हम कैसे पुरअमन रह सकते हैं, और फिर हमारा इस्लाम कैसे हम जिंदा कर सकते हैं। तो वो जो आप दीन 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 बोल रहे हो ना, वो दीन भी खतरे में पड़ जाएगा अगर आप उस दुनिया को जिसका नाम आपने दुनिया रखा हुआ है दुनिया समझकर छोड़ दोगे, तो वो तुम्हारा दीन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हर मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि भाई कितना खुशामद कर करके लोग आपसे कहें, आप अपने घर का जायजा ले लो, मेरे घर में कितने 18 साल के लोग हैं, उन सब के वोटर आईडी अपडेट है कि नहीं है, नहीं है तो कर लो, लोगों से पूछो, तरीका मालूम करो, मेहनत करो। अब तो ऑनलाइन भी बैठे बैठे कर सकते हैं, बहुत सहूलतें हो गई हैं, करो फिर देखो कि मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं है, मेरे घर के सब लोगों का नाम है कि नहीं है, नहीं है तो उसके लाने के लिए जिद्दोजहद करो, कोशिश करो कि मैं कानूनी हकदार हूँ, मेरा नाम आना चाहिए। इसमें टाइम लगता है, इसमें पैसा खर्च होता है, इसमें आपके दो चार दिन निकल जाते हैं, तो भाई ये भी तो इबादत है, इस पर भी तो अजर मिलेगा, इस पर भी तो अल्लाह राजी होगा। इस वास्ते के खैरुन्नास मन यनफउन्नास, जो लोगों के नफे का नहीं है वो शख्स अल्लाह के नज़दीक अच्छा आदमी नहीं। जो आदमी आदमियों के नफे का नहीं है, साथी को कुछ काम नहीं आता, पड़ोसी को कुछ काम नहीं आता, मेरे घर के बाजू में एक घर है जिसमें औरतें हैं, ज्यादा समझदार नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, इनके भी पूरे काम करके देना, क्या आप पड़ोसी के जिम्मे नहीं है, और क्या आप से अल्लाह नहीं पूछेगा। इसलिए ये जो हमने तकसीम कर दी कि साहब ये पूरा दुनिया है, ये हमारा काम नहीं है, दुनियादारों का काम है, क्या भाई वो दुनियादार को मुसलमान रखना आपका काम नहीं है, उसको भी तो दीनदार बनाना आपका काम है। तो आप समझते हैं उसको दीनदार बनाना उसी वक्त होगा जबकि वो ये सब काम छोड़ के नमाज रोजा करने आ जाए, बस तब वो होगा दीनदार, वरना दीनदार नहीं होगा। ये बड़ा फरेब है, बहुत बड़ा धोखा है। मुसलमानों को सही इस्लाम समझना चाहिए। आखिर हजरत अलैहिस्सलाम उहद में क्यों तशरीफ ले गए, आखिर 70 सहाबा की जानें क्यों कुर्बान की गई, आखिर हुजूर अलैहिस्सलाम बदर में तने तनहा मुट्ठी भर लोगों को लेके गए, खुद समझ रहे थे कि ये मुट्ठी भर 313 वो 1000 पर गालिब नहीं आ सकते, वो सामान वाले हैं, वो ऊँटों वाले हैं,
उनके कैंप में रोजाना एक ऊंट ज़िबा हो के खाना बन रहा है और यहाँ तो पेट पे पत्थर बांधे हुए खाना भी नहीं है, उधर पानी की फरावानी है, इधर पानी नहीं है, वो लोग ऊंची जगह पे खड़े हैं, हम पस्त जगह में खड़े हैं। असबाब के एतबार से नबी देख रहे थे कि हम तो अब हारने ही के मौकिफ में, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रख कर अल्लाह से दुआ मांग रहे थे और रो रो कर कह रहे थे, ए अल्लाह अगर आज आपने हमारी मदद नहीं की और इन मुट्ठी भर मुसलमानों को गलबा नहीं आता फरमाया तो लन तुबद अलल अर्ज़ अबदा, जमीन पर तुझे कोई पूजने वाला नहीं। आज मदद का वक्त है, हमारी मदद कीजिए। लेकिन दुआ नहीं मांग रहे थे सिर्फ नबी, रात भर दुआ मांगी और फज्र की नमाज पढ़ाने के बाद सफ़ें दुरुस्त करके मुकाबला किया। सिर्फ दुआ से काम नहीं चला, तदबीर भी करनी पड़ी। अगर आप होते आज के दीनदार तो कहते नबी को इस दुनियादारी की क्या जरूरत थी, नबी अल्लाह पे भरोसा क्यों नहीं करते थे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, भाई ये दुनियादारी नहीं है, ये तो वो अज़ीम शान अमल है जिसमें चलने पर आपके पैरों पर उड़ने वाली गरत पर जहन्नम की आग हराम की जाती। इस्लाम के लिए अमन का माहौल बनाना, और जमहूरिया में पुरअमन हुक्मरान होंगे तो इस्लाम के लिए अमन रहेगा, और अगर जालिम हुक्मरान रहेंगे तो इस्लाम के लिए अमन ख़त्म हो जाए। ये अमन बनाने के लिए आपको अपनी फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं, कोई भी नहीं। भाई हिंदुस्तान छोड़ के लोग चले जा रहे हैं, कितने जाएंगे हिंदुस्तान छोड़कर? क्या सब चले जा सकते हैं? एक मालदार आदमी ने, एक सियासी लीडर ने, एक दौलतमंद ने, एक ताजिर ने कनाडा का भी बना लिया है इकामा, अगर हिंदुस्तान के हालात खराब होंगे तुम कनाडा भाग जाएंगे, कितने जाएंगे बाबा? ये 22 करोड़ मुसलमानों का कौन पुरसान हाल होगा? आपको अपने मुल्क में अपना वजन बताना होगा, आपको अपने मुल्क में अपनी सलाहियतों को दिखाना होगा, आपको अपने मुल्क में हसास दिल सीने में रखते हैं इसका मुजाहरा करना होगा, आपको अपने मुल्क का 100% हक हासिल करना होगा, और हासिल करने के लिए अपने को अहल बनाना होगा। नाअहलों निकम्मों को कोई हक नहीं मिलता, जो फिक्रमंद हैं, जो समझदार हैं, जो अहल हैं, अहल अपना हक हासिल कर सकता है, निकम्मा क्या अपना हक हासिल कर सकता है, काहिल क्या अपना हक हासिल कर सकता है। आज रफ्ता रफ्ता हमारी हालत यह हो जा रही है, जैसे कहा जाता है कि एक आदमी बेर के दरख्त के नीचे लेटा हुआ था और काहिल था इंतहाई, एक बेर उसके सीने पे गिरा और एक आदमी घोड़े पे तेज कहीं जा रहा था, उसने चीखे मार मार के उसको रुकाया, भाई 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 जरा रुको जरा रुको जरा रुको। वो बेचारा समझ के मर रहा होगा, क्या मुसीबत आई होगी, अपना घोड़ा रोका और उतर के आया, पूछा क्या बात, तो कहने लगा कि ये बेर जरा मेरे मुंह में तो डाल दो उठा के। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लतीफा है, हंसने की बात है, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा इसी तरीके से काहिल बन के बैठी, कुछ करने को नहीं है, ना अपनी दुनिया के वास्ते ना अपने दीन के वास्ते। क्या कर रहे हैं मुसलमानों, कुछ करो। मैं नौजवानों से दर्दमंदाना अपील करता हूँ, थोड़ा सा वक्त हमारे सामने है, इस थोड़े से वक्त में, और उसको भी हुकूमत सिफारिश करने से थोड़ा और बढ़ाती है, जो वक्त हमारे सामने है, अपने अपने मोहल्लों बस्तियों में अल्लाह का फरीजा समझकर, नबी का हुक्म समझकर, अपने पूरे पूरे महल्ले को, पूरी गली को आप सर्वे करके सबका काम करा के दीजिए। मैं अकबर बाग की मोहल्ला कमेटी से भी कहूँगा, मैं मस्जिद अकबरी की इंतज़ामी कमेटी से भी कहूँगा, इसलिए कि उलमा जो पूरे सीनियर उलमा बैठे थे 3 दिन पहले, सब ये कह रहे हैं कि हर मस्जिद की कमेटी को ज़िंदगी दो, वो ज़िंदगी अपने अंदर पाएँ, मुर्दा कमेटियाँ ज़िंदा हो जाएँ। सिर्फ मस्जिद की इस दरो दीवार को रंग रहे बाबा, ये मस्जिदें बुलडोज़र से गिरा दी जाएंगी अगर आप सही हुक्मरानों को नहीं लाओगे। आप क्या कर रहे हैं, इन मस्जिदों के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, ये पैसा खर्च करो, लोगों से पैसा वसूल करो, मालदारों से और गरीबों पर खर्च करो। तू खजु मिन अग्नियाहिम व तुरद्दु इला फुकराहिम, लेके उनके कार्ड बनाओ, उनके लिए उनके वोटर लिस्टों की तलाश करो, उनके वोट देने को यकीनी बनाओ। ये दीन है, दीन है, दीन है। अगर आप इसको दीन नहीं समझोगे तो जब अल्लाह का अजाब आएगा तब समझ में आएगा।
इसकी फिक्र करो, इसकी तरफ कोशिश करो। हर कमेटी अपने मोहल्ले के हदूद मुतय्यन करे मस्जिद के, कि मेरी मस्जिद के इतने मोहल्ले हैं अतराफ अकनाफ में, और इनमें एक घर में एक 18 साल का लड़का या लड़की ऐसी नहीं होगी जो हमारी फिक्र की वजह से उसके पास कार्ड न हो। हम बना बना कर सबको देंगे और सबके नामों को लाने को यकीनी बनाएंगे। क्या क्या मंसूबे हैं, कैसी कैसी खबरें आ रही हैं, हर 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 कौम तैयारी कर रही है सिवाय मुसलमानों के, कि मुसलमान को किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं। ये हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, अज़ाब आता है तो अज़ाब आने दो, मुसीबत आती है तो मुसीबत आने दो, जो होता है होने दो, हमें कोई फिक्र नहीं, खाओ पियो और मज़े करो। बस ये कौम इस तरीके से होगी। कुरान में अल्लाह ने मिसाल दी, याकुलून वयतमत्तऊन वयुल्हीहिमुल अमल फसौफ यालमून। खा रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं और बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, अन करीब पता चल जाएगा इन लोगों को कि उनकी उम्मीदों पर कैसे पानी फिरता है। आज हमारा हाल ये हो रहा है कि हम इस तरह बस बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हुए बैठे हुए हैं। काम करो दोस्तों, काम करो। हर कॉलेज में पढ़ने वाला, हर अंग्रेज़ी जानने वाला, हर कंप्यूटर यूज़ कर सकने वाला वो कोशिश करे कि मैं कुछ मुसलमानों का भला करके अल्लाह ताला की मोहब्बत का सबब बन जाऊँ, कुछ मुसलमानों की खिदमत कर दूँ मैं। करो, हत्ता के खबरें ये हैं कि दूसरी रियासतों से भी आके लोग अपनी अपनी कौम की खिदमतें कर रहे हैं, उनके काम बना के दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हैदराबाद के मुसलमान क्या कर रहे हैं? कोई फिक्र है? सब कोई कह रहा कि नहीं मजलिस वाले कर लेते सब, कोई कह रहा है कि तामीर मिल्लत वाले कर लेते, कोई कहता है कि जमीयत उलमा वाले करते हैं। कोई नहीं करता जब तक कि कौम खुद करना नहीं चाहती, कोई नहीं करता। आप खुद करना चाहो, इसलिए इस काम की तरफ बहुत कम वक्त होने की वजह से मैंने इस जुमे का इंतखाब उनवान का ये किया कि देखो अल्लाह को वही बंदे पसंद हैं जो अल्लाह के बंदों की भलाई करते हैं। आप अल्लाह के बंदों की भलाई कीजिए, आपसे जो हो सकता है करके बताइए। आप पूछे जाएंगे इंद अल्लाह, कर सकते थे नहीं किए, नहीं कर सकता था अलग बात, जो कर सकता था नहीं किया पूछा जाएगा। इसलिए जिम्मेदारियों को महसूस करो, और अब मुल्क में रहना है तो अपने को बासलाहियत बनाकर रहना है। बेसलाहियत लोग यहाँ पर किसी काम के नहीं हैं, ये चने भुटानों के काम के भी नहीं हैं। अगर आप अपनी सलाहियत का लोहा मनवाते हैं, अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं तो दिखाओ। जिसके पास वजन नहीं है वो हवा में उड़ा दिए जाएंगे, हवा मंसूरा बना दिए जाएंगे, जो बावजन है वही टिक सकेगा। आपको वजन, आपका वजन आपकी लियाकत है, आपका वजन आपकी नॉलेज है, आपका वजन आपका कैरेक्टर है, आपका वजन आपका अमल है, किरदार है। अगर आप वर्क नहीं रखते तो बेवजन है, आप कैरेक्टर नहीं रखते तो बेवजन है, आप नॉलेज नहीं रखते तो बेवजन है। हवा की गरज की तरह उड़ा दिए जाओगे जमाने के हालात के अंदर। अल्लाह अपने करम से हमें तौफीक नसीब फरमाए, हमारी नादानियों को हमारी दानाई और समझदारी से तब्दील फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुल्क के बिलखसूस हमारे शहर के मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए कि वो अल्लाह के बंदे और ज़मीन पर खुदा के खलीफा होने की जिम्मेदारी को महसूस करें। और इस हवाले से आप क्या फ़र्ज़ बनते हैं उलमा से पूछें और उन फ़राइज़ को अदा करने की कोशिश करें। आमीन व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह।